तो यहाँ पे मेरा जो जियो पेमेंट बैंक अकाउंट है वो लिंक है, और अब मैं किसी दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जियो पेमेंट बैंक को हटाना होगा। और हटाने के लिए नीचे अनलिंक का ऑप्शन है जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे है कंटिन्यू टू अनलिंक। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ऊपर ऊपर हमें एक एरर देखने के लिए मिल जाता है, यू हैव एक्सीडेड द नंबर ऑफ टाइम यू कैन चेंज योर बैंक अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट अस टू चेंज योर बैंक अकाउंट। तो इस तरह का जो तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में, और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप भी ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को यूज करते हैं और अगर आपको भी इन दिनों एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही होगी, और वो ये है कि जब भी हम ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से लिंक बैंक अकाउंट को अनलिंक करना चाहते हैं, यानी कि उसे हटा करके किसी दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए जाते हैं, तो वो अनलिंक नहीं हो रहा है। इस तरह का जो एरर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे आप अपने बैंक अकाउंट, पुराने वाले बैंक अकाउंट को हटा करके नए बैंक अकाउंट को लिंक करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के अकाउंट से लिंक बैंक अकाउंट को हटा करके किसी दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फोन में ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में ऊपर ऊपर हमें हमारा जो प्रोफाइल का आइकन मिलता है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे यहाँ पे माई बैलेंस करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके बाद में जब हम नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको माई केवाईसी डिटेल करके एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर और जो बैंक अकाउंट है, वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे ड्रीम इलेवन अकाउंट से मेरा जो जियो पेमेंट बैंक लिंक है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। मगर दोस्तों, अब मैं जियो पेमेंट बैंक को अनलिंक करके किसी दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जियो पेमेंट बैंक को हटाना होगा। इसी तरह से दोस्तों, आपको भी अपने बैंक अकाउंट को हटाने के लिए सबसे पहले आपको अनलिंक करना होगा। तो चलिए, बैंक अकाउंट का ऑप्शन है इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारे जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो देखने के लिए मिलती है। तो हटाने के लिए नीचे देखिए आपको अनलिंक का ऑप्शन मिलता है, तो चलिए मैं अनलिंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें फिर से एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू अनलिंक का। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर ऊपर एक एरर आ जाता है, यू हैव एक्सीडेड द नंबर ऑफ टाइम यू कैन चेंज योर बैंक अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट अस टू चेंज योर बैंक अकाउंट। इस तरह का जो एरर है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे जो ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के यूजर है जो कि अपने बैंक अकाउंट को अनलिंक नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो किसी दूसरे बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड नहीं कर पा रहे हैं, यही प्रॉब्लम आपके साथ में भी आ रही है। तो अब दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है वो हमें क्यों देखने के लिए मिल रही है और इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे कि आखिर ये जो प्रॉब्लम है वो हमें क्यों आ रही है, ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के अकाउंट से हम बैंक अकाउंट को चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका एक रीजन है, और वो रीजन है ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन का न्यू अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन का एक न्यू अपडेट आया है जिसमें बैंक अकाउंट को लिंक करने के काफी सारे टर्म एंड कंडीशन आई है, जो कि साइड में स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के अकाउंट से अब हम अपने बैंक अकाउंट को मैक्सिमम 3 बार ही चेंज कर सकते हैं, और जब हम चेंज करने के लिए जाएंगे तो लिंक होने के लिए कम से कम 3 दिन लगने वाले हैं। इसी के साथ में आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक अकाउंट से लिंक है, तो आप सेम बैंक अकाउंट को किसी दूसरे अकाउंट से लिंक नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। और अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, यानी कि हमारा जो बैंक अकाउंट है जो कि हमारे ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के अकाउंट से लिंक है, उसे हटा करके किसी दूसरे बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करना है। तो इसके लिए फिर से हमें अपने मोबाइल फोन में ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में फिर से हमें ऊपर ऊपर हमारा जो प्रोफाइल का आइकन होता है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो नीचे आपको हेल्प एंड सपोर्ट करके ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई टैब आएगी, तो नई टैब में देखिए आपको नीचे ही नीचे चैट विद अस करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन का जो चैट बॉक्स है वो ओपन होकर के आ जाता है। जैसे ही ओपन होगा तो कई सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो इन्हीं में से एक ऑप्शन है प्रोफाइल एंड वेरिफिकेशन का, जिसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपके सामने बैंक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वेरिफिकेशन रिजेक्टेड, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमारे सामने एक नई टैब आएगी,
जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें एक रिक्वेस्ट रेज करनी होगी। तो यहाँ पे रेज ए रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही ये आपको मोबाइल का जो ब्राउजर है उसके ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पे आपके सामने फिर से एक नई टैब आएगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रेज ए रिक्वेस्ट के नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही कई सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जब हम नीचे आएंगे तो पेन बैंक एरर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करते ही दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलेगा इश्यू विद पेन बैंक। तो इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलेंगे, मगर लास्ट में देखिए फेसिंग इश्यू विद पेन बैंक वेरिफिकेशन, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंट नंबर, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है जो कि आपके ड्रीमलेवन एप्लीकेशन के अकाउंट से लिंक है, उस मोबाइल नंबर को यहां पे आपको एंटर करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या एरर आ रहा है उस मैसेज में, यहां पे वो मैसेज टाइप करना है। तो हमें क्या एरर आ रहा था, चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें जो एरर देखने के लिए मिल रहा था वो है यू हैव एक्सीडेड नंबर ऑफ टाइम योर बैंक अकाउंट, ऐसा कुछ एरर हमें जो देखने के लिए मिल रहा था, बस हमें उसे टाइप करके कॉपी करके यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें डिस्क्राइब करना होगा कि सर मैं अपने ड्रीमलेवन एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहता हूँ मगर चेंज नहीं हो रहा है, ये जो एरर है वो मुझे देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, जहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हमें नीचे आना है, जब हम नीचे आएंगे तो प्रीफर्ड लैंग्वेज करके एक ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते ही कई सारी लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद में हम नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो हमारे जो ड्रीमलेवन एप्लीकेशन से अकाउंट से हमारा जो लिंक पैन कार्ड है उसकी हमें फोटो क्लिक करनी है और गैलरी में उसे सेव करना है। उसके बाद में यहाँ पे उस फोटो को हमें अपलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड पैन कार्ड, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है और पैन कार्ड की जो फोटो हमने क्लिक की है उसे यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर देना है। रिक्वेस्ट को सबमिट करने के बाद में दोस्तों हमें 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इसके बाद में ड्रीमलेवन एप्लीकेशन के कस्टमर केयर की तरफ से हमें कॉल बैक आएगी, जहां पे आपसे एक छोटा सा वेरिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि आपका फुल नेम पूछा जाता है, आपका मोबाइल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछी जाती है। और जैसे ही वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये मेरा ड्रीमलेवन एप्लीकेशन का अकाउंट है और इस अकाउंट में मैं अपने बैंक अकाउंट को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपकी जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो वहाँ पे विद इन मिनट के अंदर अंदर रिजॉल्व कर दी जाएगी। मगर दोस्तों जिन लोगों को ड्रीमलेवन एप्लीकेशन के कस्टमर केयर की तरफ से कॉल बैक नहीं आती है, तो उसके लिए आप खुद से भी कस्टमर केयर को कॉल बैक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको देखिए ड्रीमलेवन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में ऊपर ही पर प्रोफाइल का आइकन मिलेगा, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, और क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे आपको माई बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में नीचे यहाँ पे आपको माई ट्रांजेक्शन करके ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप माई ट्रांजेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ही पर आपको कई सारे सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कॉन्टेक्ट का, विड्रावल का, डिपॉजिट का। सिंपली आपको डिपॉजिट का जो सेक्शन है इसके ऊपर आपको आना है, और यहाँ पे आपने जो भी डिपॉजिट किए हैं उसकी रिसेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। तो किसी भी एक ट्रांजेक्शन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। मगर आपको नीचे ही नीचे देखिए यहाँ पे नीड हेल्प करके एक ऑप्शन मिलेगा, जब आप नीड हेल्प के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, पहला है चैट विद अस का और दूसरा है टॉक टू अस का, यानी कि हम बातचीत भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको टॉक टू अस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है जो कि आपके ड्रीमलेवन एप्लीकेशन के अकाउंट से लिंक है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और इसी के नीचे आपको डिस्क्राइब कर देना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई वुड लाइक कॉल बैक फॉर डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपको जो डिपॉजिट शब्द है उसे हटा करके यहाँ पे अनलिंक बैंक अकाउंट कर देना है, और इसके बाद में आपको सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है। और जैसे ही आप रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे तो 100% 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ड्रीमलेवन एप्लीकेशन के कस्टमर केयर की तरफ से कॉल बैक आएगी। तो वहां से आप बातचीत करके कह सकते हैं कि ये मेरा ड्रीमलेवन एप्लीकेशन का अकाउंट है जिसके अंदर मैं अपने बैंक अकाउंट को चेंज नहीं कर पा रहा हूं, तो चेंज करने के लिए थोड़ी सी मदद कर दीजिए, उसके बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी 100% रिजॉल्व होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि जो भी लोग ड्रीमलेवन एप्लीकेशन के अकाउंट से बैंक अकाउंट को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो चेंज कैसे करना है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस लाइव इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर जानकारी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को तो जरूर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज
हमारे YouTube चैनल पे अपलोड होगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और लास्ट में दोस्तों, जो भी लोग ड्रीमलैंड एप्लीकेशन का न्यू अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं तो ये रहा मेरा रेफरल कोड, जरूर से यूज कीजिएगा। 5000 रुपए का कैश बोनस आपको इंस्टेंट आपके ड्रीमलैंड एप्लीकेशन के वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा, जिसे आप यूज कर सकते हैं।